बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को हिरासत में ले लिया गया है और उन पर 3 FIR हो चुके हैं। कई और शिकायतें पुलिस में कर दी गई हैं और इस समय मेरे साथ मेरे सहयोगी कमलेश सुतार भी जुड़ रहे हैं इस बड़ी खबर पर। कमलेश, भारतीय जनता पार्टी इसे शिवसेना का गुंडा राज और पुलिस का दुरुपयोग बता रही है। गिरफ्तारी या हिरासत में क्यों लिया गया है और क्या अब अगला कदम गिरफ्तारी है? क्या क्या धाराएं लगाई गई हैं? देखिए गौरव, जिस तरह से खबर रत्नागिरी से आ रही है, नारायण राणे को हिरासत में ले लिया गया, डिटेन कर लिया गया उन्हें, और सुबह से जिस तरह से अटकलें लग रही थी कि नासिक में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, नासिक पुलिस की एक टीम रवाना हो चुकी थी वहां के लिए और नासिक पुलिस की तरफ से एक रिक्वेस्ट दिया गया था रत्नागिरी पुलिस को कि उनको अरेस्ट में सहयोग किया जाए। गुना जो दर्ज है नारायण राणे के खिलाफ नासिक में, और रत्नागिरी पुलिस ने फिलहाल नारायण राणे को वहां पर डिटेन कर लिया। इससे पहले क्या हो गया, नारायण राणे ने अप्रोच किया था रत्नागिरी कोर्ट को कि उन्हें एंटीसिपेटरी इंटरिम बेल दिया जाए। रत्नागिरी कोर्ट ने इसे सुनने से मना कर दिया और कहा कि ये नासिक का केस है, इसे रत्नागिरी में नहीं सुना जा सकता। तो पहली जो पॉसिबिलिटी थी वहां पे रुक गई। उसके बाद में उनकी एक लॉयर्स की टीम मुंबई हाईकोर्ट पहुंची। अनिकेत निकम, जो उज्जवल निकम के बेटे हैं, उन्होंने नारायण राणे की पैरवी इस कोर्ट में की और कहा कि नारायण राणे को एंटीसिपेटरी यहां पर बेल दिया जाए, इंटरिम बेल दिया जाए। लेकिन हाईकोर्ट ने भी सुनने से मना कर दिया और जैसे ही खबर आती है सामने से हाईकोर्ट की तरफ से उनका हाईकोर्ट जाने का रास्ता भी वहां पर थम गया है, रुक गया, वो पॉसिबिलिटी रुक गई है। तो तुरंत वहां पर पुलिस ने उन्हें डिटेन कर लिया और इन ऑल पॉसिबिलिटी गौरव अब यह लग रहा है कि नारायण राणे केंद्रीय मंत्री, उनको शायद गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा। हालांकि जो ऑफेंसेस है अवेलेबल है, बेल हो सकता है, लेकिन नासिक ले जाना पड़ेगा। और शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा महाराष्ट्र के राजनीतिक इतिहास में कि केंद्रीय मंत्री को राज्य सरकार गिरफ्तार करेगी या उनकी गिरफ्तारी हो रही है। केंद्र बनाम राज्य सरकार जो संघर्ष हमने कुछ दिनों पहले बंगाल में देखा था, उसकी एक अगली स्टेप, इसकी एक अगली पायदान महाराष्ट्र में होती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से लगातार बयानबाजी दोनों पार्टियों में हो रही थी, एक तरफ नारायण राणे और शिवसेना का संघर्ष का इतिहास रहा है, लेकिन इस बार इसमें भारतीय जनता पार्टी की कड़ी जुड़ चुकी है। तो आने वाले कुछ घंटे महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बहुत ही अहम होंगे। हमने देखा है कि सुबह से लगातार जो संघर्ष रास्तों पर दिखाई दे रहा है, कई जगह पर शिवसेना और भाजपा के कार्यकर्ता, विशेषकर नारायण राणे समर्थक, रस्ते में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं, हिंसक घटनाएं सामने आ रही। तो आने वाले कुछ घंटे न सिर्फ इस पूरे मामले के लिए लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बहुत अहम होंगे। और ये जो हिरासत में लिया भी जा रहा है, आने वाली राजनीति में क्या नारायण राणे की और अहम भूमिका भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी होने वाली है? जिस तरह का उनका बयान था, जिस तरह से शिवसेना का पलटवार था, कानूनी पलटवार, सड़कों पर शिवसैनिक और भारतीय जनता पार्टी तो सामने आमने सामने है ही, कानूनी पलटवार, जो जानकारी आ रही है कि धारा 500 डेफमेशन, 505(2) मिसशिफ, 153(b)(1)(c), डिसहार्मनी, एनिमिटी और इलविल, कई धाराएं लगाई जा रही हैं उनके खिलाफ। तो ये भाजपा बनाम शिवसेना लड़ाई का अगला पड़ाव है ये, कमलेश? नहीं, देखिए गौरव, भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं ये एम्बेरसमेंट के तौर पर है। भारतीय जनता पार्टी में शुरुआती जो राजनीति थी कि नारायण राणे को बेसिकली पार्टी में लेने से लेकर उनको मंत्री बनाने तक जो गेम प्लान था कि नारायण राणे शिवसेना के विरोधक रहे हैं तो उन्हें शिवसेना के खिलाफ लड़वाया जा सकता है या फिर शिवसेना के खिलाफ उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भापने से भारतीय जनता पार्टी चूक गई। जिस तरह के लगातार बयान नारायण राणे की तरफ से आए, नारायण राणे का ये बयान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एम्बेरसमेंट रहा। और थोड़ी देर पहले जहां पर मैं खड़ा हूं, देवेंद्र फडणवीस विपक्ष के नेता है, महाराष्ट्र के शीर्ष नेता है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को, अपनी पार्टी को इस बयान से अलग थलग किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नारायण राणे ने संयम बरतना चाहिए था। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ किया है, वो भाषा थोड़ी संयमित होती तो अच्छा होता, लेकिन उनके बयान का हम समर्थन नहीं करते। लेकिन एक नेता के खिलाफ, हमारे पार्टी के एक नेता है जिनके खिलाफ पुलिस मशीनरी का उपयोग किया जा रहा है, पुलिस मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है, पुलिस जीवी सरकार है, ऐसा आरोप उन्होंने लगाकर कहा कि इसके खिलाफ हम है और नारायण राणे के समर्थन में बतौर नेता हम रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ये भापने से चूक गई थी कि नारायण राणे के जिस तरह से बयान आए, जिस तरह से उनको इसका सामना करना पड़ा, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा हमने देखा कि बैकफुट पर जाना पड़ा। लेकिन ये संघर्ष एक तरह से भारतीय जनता पार्टी बनाम शिवसेना देखने से ज्यादा राणे बनाम शिवसेना ही देखा जाएगा। ये संघर्ष आप कह रहे हैं कि राणे बनाम शिवसेना ही रहेगा, भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पुलिस के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है शिवसेना पर, उस पर शिवसेना का क्या कहना है?
देखिए शिवसेना ही नहीं, ऐसा भी माना जा रहा था कि बाकी जो घटक दल है, महाराष्ट्र में तीन पार्टियों की सरकार है और बाकी दो पार्टियां हमेशा से ही इस तरह की राजनीति के खिलाफ रही है, जो सड़कों पर उतर कर राजनीति होती है, जिसे मुंबई के भाषा में या शिवसेना की भाषा में राड़ा कल्चर कहा जाता है, इसके खिलाफ रही है। लेकिन आज जो देखने को मिला गौरव, एनसीपी और कांग्रेस भी शिवसेना के समर्थन में आती हुई नजर आई। एनसीपी के प्रदेश इकाई के अध्यक्ष और वरिष्ठ मंत्री जयंत पाटिल आगे जाकर यह कहते हैं कि जिस तरह से रास्ते पर यह राजनीति हो रही है, जिस तरह से शिवसैनिक आक्रामक होकर रास्ते पर उतर रहे, ये रिएक्शन है। ये स्टेटमेंट एक्चुअली शिवसेना की तरफ से आना चाहिए था, लेकिन ऐसा बयान राष्ट्रवादी कांग्रेस के एक मंत्री देते, एनसीपी के एक मंत्री देते कि जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मुख्यमंत्री के खिलाफ किया गया, उसका ये रिएक्शन है। तो कहीं ना कहीं शिवसेना को इससे एब्जॉल्व करते हुए नजर आ रही है एनसीपी और समर्थन में खड़ी होती आ रही है। इसी तरह का बयान नाना पटोले देते कांग्रेस प्रदेश इकाई के अध्यक्ष, कहते हैं कि ये मुख्यमंत्री के खिलाफ जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया उसका रिएक्शन है। तो कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में कि जितना अग्रेशन नारायण राणे ने दिखाया उसकी वजह से तीनों पार्टियां और साथ में एकजुट होती हुई यहां पर नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है गौरव राजनीति में कि जनरली जो सत्ता पक्ष होता है वो थोड़ा सा डिफेंसिव मोड पर जाता है जब ऐसा कोई अटैक होता है तो, लेकिन यहां पर थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था शिवसेना का रिएक्शन। सिर्फ पार्टी के तौर पर ही नहीं, सरकार के तौर पर जिस तरह से शिवसेना उतरी है, और गृह मंत्रालय तो एनसीपी के पास है, एनसीपी ने भी जिस तरह से लगातार एफआईआर यहां पर पुलिस की तरफ से फाइल किए गए, एनसीपी की तरफ जो डिपार्टमेंट, एनसीपी के पास जो डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से जो लगातार एफआईआर हो रहे हैं, पुलिस पुणे में भी बात आ रही है कि पुणे में एफआईआर हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है, शिवसैनिकों को खुली छूट दी जा रही है, देवेंद्र फडणवीस से इसे स्टेट स्पॉन्सर्ड रायट्स का है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड है सारी चीजें। तो संघर्ष यहां पर रुकेगा नहीं।